भारत जोड़ो यात्रा का अगले दो दिन जलंधर जिले में रहेगी। उस संदर्भ में एमपी साहब, चौधरी साहब और प्रगट सिंह जी, बैरी जी और सब लोग मिलकर और उनकी तैयारियों का हम लोग जायजा ले रहे हैं। की इन्हां दा प्लान रहेगा, किन्ने समा जिहड़ा इस ग्राउंड दे विच जिहड़ा बनाया गया उन्हां दा स्टे किन्ना समा रहणगे, वर्करां नाल भी मीटिंग कीती जाएगी? नहीं, ये तो यात्रा है, वर्कर्स, नॉन कांग्रेस वाले जितने लोग मिलना चाहते हैं वो राहुल जी को चलते वक्त मिलते हैं और इंटरेक्शन। और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हर स्टेट के अंदर राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो जलंधर में यहीं इसी स्थान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी खुद करेंगे। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो पंजाब में कांग्रेस है उसका ग्राफ में कुछ इंक्रीज होगा? ये कांग्रेस के ग्राफ के लिए यात्रा नहीं निकाली जा रही है। ये यात्रा का जो उद्देश्य है वो बड़ा क्लियर है कि मुद्दों के आधार के ऊपर इस यात्रा में लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। क्या 2024 को लेकर ये यात्रा नहीं है? कोई चुनाव और कांग्रेस को आधार रखकर ये यात्रा नहीं निकाली जा रही। देश में जो हालात बने हुए, जो आर्थिक हालात बने हुए हैं, बेरोजगारी, महंगाई और जो नफरत देश के अंदर फैलाई जा रही है उसके खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। क्योंकि अगर मुद्दों की बात करें, अगर मुद्दे चलेंगे तो कहीं ना कहीं चुनावी तो बात साथ में चलेगी। ये तो है नहीं कि अगर आप कहोगे ये चुनाव का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं। ये कांग्रेस को समझने में, जो आजकल राजनीतिक पार्टी सिर्फ चुनाव के संदर्भ में ही अपनी 100% उन लोगों की सोच और उन लोगों का कार्य रहता है, कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस ने आज़ादी के वक्त जो कार्यक्रम किए थे, जो योगदान कांग्रेस का था, उस वक्त की पीढ़ी की कल्पना थोड़ी थी कि देश आज़ाद भी होगा या चुनाव भी होगा। वो चुनाव और देश की आज़ादी उस आंदोलन से निकले हुए। कल पंजाब प्रदेश कांग्रेस के जो पंजाब के प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजापड़े की एक वीडियो बहुत वायरल आई है जिसमें राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी ने उनको मिलने नहीं दिया, उसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा है। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में ये चीज़ चलाकर और जो हमारा उद्देश्य है उसको डाइवर्ट करने की लोग कोशिश करते हैं। जब इतना बड़ा आयोजन होता है उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी घटना हो जाती है, वो घटना इंटेंसली नहीं करी गई। जब इतनी हजूम था जो हम लोगों की कल्पना से और जो व्यवस्था करवाने वाले थे उनकी कल्पना से परे था, जब इतना हजूम, इतने लोग सड़कों पर आ जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह कैसे आपको सपोर्ट मिल रही है, उसको कैसे देख रहे हो इस वो कल आपने लुधियाना की सड़कों पर देख लिया कि जो नॉन पॉलिटिकल लोग उन सड़कों पर आए और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े, वो अपने आप में पंजाब के और देश के इतिहास के अंदर एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है।